हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। वेलकम ऑल ऑफ यू, एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑनलाइन क्लास फॉर आईआईटी जैम, तो बहुत सारे फ्रेंड्स और स्टूडेंट की डिमांड थी आईआईटी जैम की क्लास के लिए, तो मैं उसको अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रॉपर फॉर्मेट होगा, मैं क्या क्या प्रोवाइड करूँगा आपको, उन सब पे डिटेल्स में बात करूँगा। क्या फ़ीस होगी उस पर भी हम स्टडी करने वाले हैं, और व्हाट इज़ द सिलेबस क्या है उसके बारे में भी वर्क करता हूँ करेंगे हम बात करेंगे। तो देखिए, ऑनलाइन क्लास फॉर आईआईटी जैम ज्वाइन एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी, ये आप सबको पता है जनरली इसके बारे में ज़्यादा। तो रेगुलर क्लास जो हमारी स्टार्ट होगी अभी 15 अगस्त से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। दिस इज़ द 15 अगस्त से आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि एक बहुत अच्छा दिन है और शुरुआत करने के लिए इससे बढ़िया दिन कुछ भी नहीं है तो मेरे हिसाब से। तो मैं 15 अगस्त को ये अपना क्लास स्टार्ट करूंगा आईआईटी जैम की, जो इस दिन फर्स्ट लेक्चर्स मेरा स्टार्ट होगा टॉपिक पर। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब मेन पॉइंट है कि मैं क्या क्या आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ उसके बारे में मैं आपसे यहाँ पे बात कर लूँ एक एक करके। हर एक पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे क्या क्या मैं आपको अपने इस जो फीस होगी उसमें पॉइंट करूँगा, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। प्रीवियस थ्री ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन, मतलब थ्री ईयर्स का क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन का मतलब हो गया आपका 2018, 2019 एंड 2020। ये जो थ्री ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, ऑल क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको मैं इस टॉपिक पर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। 18, 19 एंड 20 प्रीवियस थ्री ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन। टॉपिक वाइज नोट्स एंड इन पीडीएफ फॉर्मेट, आपको सभी टॉपिक के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, जो भी होगा। और साथ में उसके वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर जो आपको मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? ऑन यूट्यूब, जो यूट्यूब मेरा चैनल है उस पर आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिल जाएगा इस टॉपिक पे। टेस्ट सीरीज विथ कंप्लीट सॉल्यूशन, आपको जब टेस्ट होगा उस पर मैं टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करूँगा विथ कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। एंड वीकली वन आर टू मैराथन क्लासेस दैट टेस्ट विथ सॉल्यूशन, मैराथन क्लास मैं कंसिडर करूँगा। 50+ क्वेश्चंस रहेंगे हर एक में, तो आप वीकली मतलब सैटरडे संडे मान लीजिए, सैटरडे और संडे इनमें से कोई एक दो दिन रहेगा जिसमें से आपको मैराथन क्लास आपको मिलने वाली है इस टॉपिक पे। जो टॉपिक हमारा रनिंग में होगा, जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा उसी टॉपिक से रिलेटेड टोटल मैराथन क्लास पर वीक होगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मैं हमेशा मिलती रहेगी, रेगुलर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको इस टॉपिक पे मिलते रहेंगे आपको सॉल्यूशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। और ग्रुप डिस्कशन ऑलरेडी आपका होता रहेगा। तो जो मैंने रजिस्ट्रेशन फीस रखी है मेरे माय डियर स्टूडेंट, 2100 रुपीज़ आपको मैंने रखा हुआ है, जो 15 अगस्त है। और बहुत ज़्यादा ये फीस नहीं है आपको लगता होगा, बट अगर आप मंथली कैलकुलेट करेंगे तो बहुत कम होता है आपका। अगर आप 15 अगस्त से चले जाएँ तो 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर एंड फिर आपका दिसंबर, जनवरी, 5 महीने होते हैं। तो कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता, 5 से 6 महीने वर्क करना। और 2100 अगर आप कर दीजिए, 2100 डिवाइडेड बाई 600, तो नियर अबाउट 350 रुपये के आसपास आपका पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है, बट ये वन टाइम आपका पेमेंट रहेगा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ गेयर। तो वन टाइम आपको पेमेंट आपका रहेगा। इतने सारे टॉपिक्स आपको मैं सॉल्यूशंस में प्रोवाइड करूँगा, जो कि वैलिड रहेगा आपको 30 जनवरी तक आपका वैलिड रहेगा। कांटेक्ट के लिए आप मुझे मेरे इस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जो भी आपको डिटेल्स होगा मैं वहाँ पे एक फॉर्म आपको प्रोवाइड करूँगा, उस फॉर्म को भर करके मुझे सेंड करना है और आप मुझे जो भी फीस है वो पे कर सकते हो, जैसे भी आपको इंटरनेट बैंकिंग या जो भी, सारा डिटेल्स मैं प्रोसीजर आपको वहाँ पे बता दूंगा कैसे करना है। मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है, अब सिलेबस जो हमारा है उस पर फोकस हम थोड़ा सा कर लें, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन रहता है। बेसिक जो भी आपके पास बुक होगी उनसे आपका वर्क हो सकता है, लेकिन उतने से काम नहीं चलता है, आपको थोड़े हायर स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। जनरली हम सारे टॉपिक्स तो जानते ही हैं, लेकिन जैसे रियल एनालिसिस का जो हमारा टॉपिक है, इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, कनेक्टेड
सेट कम्पैक्ट एंड कम्प्लीटनेस ऑफ आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे पॉइंट इससे बनते हैं। पावर सीरीज ऑफ रियल वेरिएबल टेलर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑलरेडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिक्वेंस एंड रियल नंबर, सिक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम इससे बहुत क्वेश्चन रहता है, 5 to 7 क्वेश्चन इसी टॉपिक से रहता है, 5 to 7 मान के चलिए बहुत क्वेश्चन रहते हैं इस टॉपिक से। तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, कॉची सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, वोल्जानो वेस्टर्स थ्योरम्स एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस किस कैसे होगा, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, पॉजिटिव टर्म्स, कंपेरिजन टेस्ट, रेशियो एंड रूट टेस्ट, इतने ही आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं लेकिन इतने पढ़ने हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज में आपको लैमनीज टेस्ट पढ़ना है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जनरली सीरीज वाले टॉपिक्स ऑलरेडी मेरे कंप्लीट है मेरे चैनल पे, तो आप वहाँ से इनके वीडियोस को देख करके आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है आपका, ठीक है। बट जब मैं स्टार्ट करूँगा तो और डिटेल्स में उस पर हम बात करेंगे, टोटल मैराथन क्लास होगी इस पर जिसपे कि आपके फोकस आउट रहेंगे। सीरीज एंड सीक्वेंस, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट का ये टॉपिक्स हमारा जनरली है। फंक्शन ऑफ वन रियल वैल्यूबल, लिमिट कंटिन्यूटी इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टीज डिफेंसेशन, रोल थ्योरम, मीन वैल्यूज थ्योरम एंड एल हॉस्पिटल्स एंड टेलर्स थ्योरम एंड मैक्सिमा मिनिमा। तो ये जनरली आपका 12th स्टैंडर्ड का जो है अब बीएससी में जो हमने पढ़ते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। टू वेरिएबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टू वेरिएबल एंड थ्री वेरिएबल्स, लिमिट कंटिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव, डिफरेंसिबिलिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से इस पर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं फंक्शन ऑफ टू एंड थ्री वेरिएबल्स पर। तो इन सभी टॉपिक्स को भी डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। अब आते हैं वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस का, लाइन इंटीग्रल, जो इधर वाले टॉपिक हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आगे के जो स्केलर्स आए हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऑलरेडी इस पर वर्कआउट होगा, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और मेरा लेक्चर भी स्टार्ट यहीं से होगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, स्टार्ट मैं यहीं से करूँगा। 15 अगस्त को जो मेरा पहला लेक्चर होगा इसी टॉपिक पे होगा, डाइवर्जेंस कर्ल एंड इससे रिलेटेड टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आसान बेसिक कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इनको हम डिटेल्स में करेंगे क्योंकि कैलकुलेशंस मोर देन है। इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में बात करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स पासेस, डेफिनेशन हो गया, डेफिनाइट इंटीग्रल, देयर प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल थ्योरम, कैलकुलस, डबल ट्रिपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम यूजिंग डबल इंटीग्रल एंड कैलकुलेशन वॉल्यूम ऑफ यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल, इस ये किसी एक बुक में नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारी बुक की स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, जब मेरे चैनल से आप जुड़ेंगे, मुझसे जुड़ेंगे, तो मैं इसमें आपको वर्कआउट करूँगा और सब कुछ बताऊंगा हर एक टॉपिक पे नोट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर, बर्नौली, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रेशन फैक्टर, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, होमोजेनियस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशंस जो है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद सेकेंड ऑर्डर विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड कॉची यूलर्स थ्योरम इज वेरी वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद आते हैं ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अल्जेब्रा। तो ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अल्जेब्रा इज आल्सो इम्पॉर्टेंट है। अब इनमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ग्रुप, सब ग्रुप, सब ग्रुप क्या है, अबेलियन, नॉन अबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, लैग्रेंज थ्योरम ऑफ फाइनाइट ग्रुप, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ये हर एक एग्ज़ाम के लिए, एक इम्पॉर्टेंट है आपका ग्रुप थ्योरी। एंड लीनियर अल्जेब्रा इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर बेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर ट्रांसफॉर्म इज आल्सो इंपॉर्टेंट है, इसमें जो कि कैनोनिकल फॉर्म जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, उस पर डिस्कशन। मैट्रिक्स से रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन, रेंज और नल स्पेस, रैंक नलिटी, रैंक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड कंसिस्टेंसी कंडीशंस, आइगन वैल्यू, वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम।
सो ऑल टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सभी टॉपिक पे डिस्कशन करूँगा। लेक्चर्स मेरे स्टार्ट हो जाएंगे, कम से कम मिनिमम अगर 25% मुझे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट एंड ज्वाइन होते हैं, सो देन यू कैन स्टार्ट द लेक्चर्स 15 अगस्त। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और सभी के लिए फीस हमारी कॉमन है 2100 रुपीज़ ओनली, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। ईच एंड एवरी बुक्स पे इम्पॉर्टेंट बुक कौन कौन सी होगी, उन सब पे हम आगे आने वाले कंटिन्यू लेक्चर्स में बात करेंगे कि मेन फोकस होगा। तो ऑब्वियसली सी बात है कि मैं अगर IIT जैम में शुरू कर रहा हूँ तो बाकी के क्लासेस अभी क्लोज कर दूंगा मैं। नो CSIR गेट, नो CSIR नेट, नो CSIR गेट, ओनली IIT जैम। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हमारा आपका ये आपके लिए नोटिफिकेशन है। तो आपको लगता है अगर आपको ज्वाइन होना चाहिए इस ऑनलाइन, और इससे सस्ता आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, 2100 रुपीज़ में आपको फुल IIT जैम की क्लास रेगुलर कोर्स मैं आपको कराने की कोशिश करने जा रहा हूँ। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कुछ पॉइंट है उन सब पे हम डिटेल्स में अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। सो टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।